भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंगा प्लान शुरू किया था, लेकिन अब तक कुछ खास हो नहीं पाया है। क्या सरकार मानती है कि गंगा में अभी और कुछ करने की जरूरत है जिससे कि गंगा दोबारा साफ हो पाए? देखिए, बहुत हुआ है। जब राजीव जी ने घोषणा दिया कि सेव सेव गंगा एक्शन प्लान गैप वन का घोषणा किया था, और उसके बाद गैप वन में सारे एक्टिविटीज़ शुरू हो गए थे, और उसके बाद अगर आप देखेंगे बहुत चेंजेस हो गए हैं। बहुत सारे जगह में वाटर क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी तक वाटर क्वालिटी बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन अगर ये गंगा एक्शन प्लान नहीं होता, अगर राजीव गांधी जी ने ये नहीं ये गैप को शुरू नहीं किया था, तो वो वाटर क्वालिटी वो बिल्कुल ख़राब हो शायद वो हो सकता था। जब राजीव जी ने कहा उस समय, उसके बाद पॉपुलेशन कितना बढ़ाया अलोंग द गंगा, जो बोथ साइड्स ऑफ द रिवर है, कितने टाउन्स हैं, सारे अनट्रीटेड डोमेस्टिक सुएज छोड़ते हैं, तो हम सेंटर से पैसा दे सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस दे सकते हैं, और बहुत सारे पैसा हमने 2,000-3,000 करोड़ तक हमने दिया है। लेकिन सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़, जो शहर गंगा के दोनों बैंक्स में हैं, वो म्यूनिसिपल ट्रीटमेंट सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स एसटीपीज़ जो कहते हैं, वो काम नहीं करते। और मैं ब्लेम को शिफ्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, फिर भी जब तक अर्बन लोकल बॉडीज़ और स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप 75% प्रदूषण होता है अनट्रीटेड सुवेज से को लेकर, 20% होता है केमिकल प्लांट्स को लेकर, और हम आज से रिव्यू कर रहे हैं डिफॉल्टर्स को, वो केमिकल प्लांट्स और इंडस्ट्रियल डिफॉल्टर्स को, और हम बहुत जल्दी उनको नोटिस देने वाले हैं, और जो भी प्रदूषण ज़ीरो डिस्चार्ज हमारा एम है, और अगर ज़ीरो डिस्चार्ज वो नहीं अचीव पाते तो हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हम लेने वाले हैं। क्या क्या एक्शन हो सकते हैं? क्लोजर, अच्छा। क्लोजर तक हम जाएंगे, ये जो भी पेनल्टी क्लोजर, हाँ, जो गंगा को साफ करने के लिए हम सीरियस एक्शन हम ले रहे हैं सीपीसीबी की तरफ से, ये सेंट्रल बोर्ड पोल्यूशन कंट्रोल। कब से शुरू हो रहा है? अभी हम रिव्यू कर रहे हैं, हमारे पास एक लिस्ट है डिफॉल्टर्स, लिस्ट है और हम बहुत है, हम अभी तक वो लिस्ट कोलेज कर रहे हैं, ठीक है, और हम नोटिस देंगे कि एक डेट तक वो सब साफ, इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बात मैं कर रही हूँ, और अगर वो नहीं साफ कर पाते हैं तो अगर वो स्टिल डिस्चार्ज वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट वो गंगा के अंदर वो डिस्चार्ज कर रहे हैं, हम वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन हम लेंगे। यस वी कैन इफ दे डू नॉट कन्फॉर्म टू द रूल्स, तो आप बंद भी कर सकते हैं। यस मैम, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन थोड़ा कम हुआ है, हमने एक सर्वे करवाया था, लेकिन इकोलाई बैक्टीरियल पोल्यूशन अभी भी है। फीकल कोलीफॉर्म और इकोलाई ये सब अनट्रीटेड डोमेस्टिक सुवेज से आता है, और ये अर्बन लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल पीपल, उनके कोऑपरेशन से बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पैसा तो दे सकते हैं, टेक्निकल कोऑपरेशन हम कर सकते हैं, लेकिन सारे लोगों के कोऑपरेशन से बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मैम कोई हम कानूनन कुछ नहीं कर सकते उनको? नहीं, हम बात कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट से बात हम कर सकते हैं कि जो शहर गंगा के दोनों सारे रिवर्स के दोनों किनारे पे है, कुछ एक्शन हम ले सकते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। अब गंगा एक नेशनल रिवर है, तो नेशनल रिवर होने की वजह से सेंटर से हम कुछ कर पाएंगे, लेजिस्लेशन को देखना पड़ेगा, और हम बात कर रहे हैं। मैम आखिरी सवाल, दो छोटे छोटे सवाल, एक तो डॉल्फिन नेशनल वाटर एनिमल, यस, उस क्या अभी उनकी स्थिति ठीक है, क्योंकि वो गंगा में ही पाए जाते हैं? नहीं, वो डॉल्फिन, जब तक डॉल्फिन की सवाल है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, एंडेंजर्ड है, प्रदूषण की वजह से एंडेंजर्ड है, फ्लो ऑफ द रिवर की वजह से एंडेंजर्ड है, और हमने डिक्लेयर किया है, और एक्शन प्लान 2021
टू सेव द डॉल्फिन हमने शुरू किया है। मैडम अब तक कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगा चुकी है गंगा को साफ करने में, राजीव नहीं गांधी के समय से, अगर हम अनुमान लगाएं 3,000, 4,000, 5,000 को? नहीं है 15,000, 9,000 लेकिन ऑलरेडी गिवन हमने दे चुका है 3,000 करोड़15,000 इज द टोटल अमाउंट। जब तक वो यूज नहीं करते और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देते बाकी पैसा हम दे नहीं पाए। तो अगर म्यूनिसिपैलिटी सीवेज के लिए और पैसा मांगेंगे तो सेंटर दे नहीं, हम जरूर देंगे लेकिन वो पहले प्लान देना चाहिए, डीपीआर डिटेल परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना चाहिए, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, ये सब हम हमारे पास आने बिना हम दे नहीं सकते।